के गोवर्धन रोड स्थित राधा सिटी में स्थानीय निवासियों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकाली गई व भंडारे का आयोजन भी किया गया। मथुरा के गोवर्धन रोड स्थित राधा कृष्ण सिटी निवासियों ने दीपावली की तरह भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन को मनाया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने जमकर एंजॉय किया। साथ ही जय श्री राम के नारे के साथ कॉलोनी में शोभा यात्रा निकाली गई। राधा सिटी के निवासियों ने बताया कि आज के दिन का वो वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार समाप्त हुआ। रामलला अपने घर वापस लौटे, इसी के चलते धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। झांकी निकाली गई, इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। अंकुश वर्मा, मथुरा, समाचार 24। साल की खुशी इतनी अच्छी तरह से मना रहा है, इसकी कोई जवाब नहीं है। हर घर अपने आप में दिवाली मना रहा है, हर आदमी दिवाली मनाने लगा हुआ है। बस यही कहूंगा, जय श्री राम। जय श्री राम। संजय शर्मा, आज जो राधा सिटी में ये रैली का आयोजन किया गया है, कितने लोगों ने चली है इसमें? इसमें हजारों लोग शामिल हुए हैं राजी भगवान के दरबार में। ये रैली पूरी कॉलोनी में भ्रमण कर रही है और हर घर पे इस रैली का स्वागत हो रहा है। राम सीता लक्ष्मण स्वरूप की पूजा हो रही है और सभी पूर्ण हर्षोल्लास में पूरी कॉलोनी इस उत्सव में शामिल है। आज तो भगवान राम आए हैं, त्रेता दोबारा से आया है, तो बहुत विशेष दिन है, अलौकिक दिन है, जिसका हम लोग बहुत सालों से बरसों से इंतजार कर रहे थे, वो आज हुआ है। तो ये तो स्वप्न है जो पूरा हुआ है, तो इसलिए आज विशेष, बहुत ज्यादा विशेष दिन है। मेरा नाम पंडित राजकुमार शर्मा, मंदिर का पुजारी हूँ और मैं भगवान से बहुत ही इतना प्रसन्न हूँ आज के कै पीढ़ी कि कितने बुजुर्ग हमारे मंदिर को टूटते हुए देख के मरे थे, लेकिन आज जितनी खुशी हमें बनते हुए को दिख रही है, अपने ऊपर गर्व है और पूरी राधा सिटी के अंदर जो भाव है, जो किसी में नहीं दिख रहा है, मुझे बड़ा जोर का भाव है, तन मन धन। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पूरी राधा सिटी को राम जी स्वास्थ्य रखें, निरोगी काया रखें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और ऐसे ही भव्य प्रोग्राम करते रहें और सबकी आयु दुरुस्त रहे, आनंद रहे। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे राम मंदिर जहाँ हमारा बन रहा है ना, ऐसे में सब हमारी जनता, प्रजा, पूरा विश्व आज खुशी के मारे हर्षोल्लास से उच्छित हो रहा है। जय श्री राम। समझ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर चंद्रप्रभा सारस्वत। आज राम जी का स्थापना दिवस क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है और ये राम मंदिर तो है ही, पर ये हमारे भारतीय हिंदुओं के गौरव की स्थापना का दिवस है, जो घड़ी हमने 550 साल की गुलामी के बाद देखी है। तो ये पुनः हमारे वैभव का, हमारी संस्कृति का, हमारी आध्यात्मिकता का, हमारे आदर्शों विश्वासों की स्थापना का दिवस है और ये महान दिवस है और सदियों सदियों याद किया जाएगा इस दिन को, कि ऐसा दिन हमने देखा, ये हमारा परम सौभाग्य है और हम देख रहे हैं, ये हमारे परम आनंद का विषय है और विश्व में हमारे भारत के गौरव की स्थापना का दिवस है। इसलिए निरंतर दिनों दिन भारत क्या है इसकी पहचान न सिर्फ भारतवासियों को बल्कि पूरे विश्व को होगी। भारत हमारे राम भारत का चरित्र है, श्री कृष्ण भारत का हृदय है और इन दो के बिना न हमारी संस्कृति है न अस्तित्व है। और जो लोग राम को नहीं समझ पा रहे हैं, राम जब ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में राम है, हम सब में राम है,
तो राम ही राम हैं। इस बात को समझना ही भारतीय चिंतन दर्शन को समझना है। राम के अतिरिक्त न कुछ था, न है, न होगा। चक्रेश पाठक, आज जो कार्यक्रम किया गया, क्या कार्यक्रम किया गया है? जैसा कि सबको पता है, क्या जाए तो मैं 500 वर्ष संघर्षों के बाद भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम सबके लिए बहुत ही खुशी का माहौल है, हम गर्व का अनुभूति कर रहे हैं और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते हुए भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी भागी देते हुए श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड पर हमने अपनी कॉलोनी में 1200 रुपये झांकी निकाली है। और इसके बाद हम लोग एक सुंदरकांड का आयोजन करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और एक भव्य दीपोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। आपको आपका जवाब मिल गया होगा, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम लूंगा तो ये गलत होगा, लेकिन यहाँ पूरी कॉलोनी में जन जन, बच्चा बच्चा, क्या महिला क्या पुरुष, क्या कोई भी, क्या अमीर क्या गरीब, कोई कौन कोई, सब हिंदू और सब समय शामिल है। लेकिन फिर भी अगर आप बोल रहे हैं कि नाम लूंगा तो ऐसी स्थिति में आपके अनुजी चलते चलते चलो इसमें आयोजन समिति में जो इनके मेन जो आइडिया था वो विपिन आवज भाई साहब का, संजय शर्मा जी का, अनु दीक्षित, योगेश उपाध्याय, सौरभ तिवारी जी, सौरभ गुप्ता जी और भुवनेश शर्मा जी, कमल गंज गौतम जी। हाँ, मैं डॉक्टर विपिन रावत, सबसे पहले समाचार 24 का इतने व्यस्त कार्यक्रम से हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और साथ में यह कार्यक्रम हमारे 3 दिन से चल रहा है, 20, 21, 22, कल हमने बाइक रैली, साइकिल रैली, स्कूटर रैली, कार रैली, बहुत ही सुंदर। और आज पूरा राधा सिंह जी हमारा परिसर उमड़ चुका है भगवान के, आप देख रहे हैं भगवान में हो चुका है, राम में हो चुका है। ये 5 साल बाद ये सनातनियों को एक बहुत ही सुंदर मौका मिला है। तो हम इस अवसर पर ही कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, श्यामल रामचंद्र की जय हो।